चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित करोड़ों की एक कोठी के मालिक को अगवा करके उसे कब्जाने के आरोप में शामिल शहर के एक नामी पत्रकार समेत 3 लोगों को पुलिस ने जहां गिरफ्तार किया है, तो वहीं बीते शुक्रवार को इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब इसमें एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसके सामने आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आ गई। ये नया चेहरा चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर राजदीप सिंह का है। मामले में अब इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से राजदीप को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि पुलिस राजदीप की 5 दिन के पुलिस रिमांड की बात कह रही थी, लेकिन हासिल उसे सिर्फ 2 दिन का पुलिस रिमांड ही हुआ। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान गिरफ्तार किए गए राजदीप सिंह से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। राजदीप सिंह से कई अहम जानकारियां हासिल की जाएंगी। इस मामले में राजदीप से पूछताछ में कई खुलासे होने की भी पुलिस को उम्मीद है। बता दें कि इंस्पेक्टर राजदीप सिंह पर ये आरोप लगा है कि सेक्टर 39 थाना प्रभारी रहते उन्होंने कोठी के मालिक को अगवा करके और उसे कब्जाने के मामले में शामिल लोगों का सहयोग किया था, और साजिश रचने वाले सभी आरोपियों में इंस्पेक्टर राजदीप सिंह का अहम रोल देखा जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि रिमांड पर लिए गए इंस्पेक्टर राजदीप सिंह से पुलिस क्या अहम खुलासे करवाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।